उत्तराखंड के 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए आगामी 14 फरवरी को मतदान होना है। आज विकासनगर, सहसपुर, चकराता विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से ही शुरू हो गई। इस नामांकन प्रक्रिया में विकासनगर से भाजपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान, कांग्रेस के नवप्रभात, सहसपुर से भाजपा प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर, सहसपुर से कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन्द्र शर्मा, चकराता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इससे पहले भी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। सुबह 11 बजे से ही शुरू हो गई। इस नामांकन प्रक्रिया में विकासनगर से भाजपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान, कांग्रेस के नवप्रभात, सहसपुर से भाजपा प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर, सहसपुर से कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन्द्र शर्मा, चकराता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इससे पहले भी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। महंगाई का मुद्दा है और यहाँ सड़कों से लेके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे किसी क्षेत्र में विकास रुका हुआ है, सहसपुर पूरे क्षेत्र में 15 साल से। शीशमबाड़ा कूड़ा जो है सबसे बड़ी समस्या है, और इसी तरीके से हमारे और महिलाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। तो हम इन सब बातों को लेके बीच जा रहे हैं जनता के बीच में, और जनता का बहुत हमको सहयोग मिल रहा है। और जनता जो है, आप देखेंगे कि सहसपुर में सबसे बड़ी जीत जो है कांग्रेस की होने जा रही है। और जो हमारे साथी कुछ रूट भी गए हैं, हम उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं और निश्चित ही हम उसमें सफलता पाएंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू होकर 28 जनवरी तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जाँच 19 जनवरी को होगी और 31 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि रखी गयी है। नाम वापसी के बाद चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य की सभी 70 सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया सुबह 9 बजे से ही शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। 10 मार्च को मतगणना होगी, जिसके बाद चुनाव को परिणाम घोषित किए जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे चकराता विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं चकराता के लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बारंबार कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया है। और 2022 की जो चुनौती हमारे सामने है, निश्चित रूप से चकराता के लोग इस बार भी कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। अबकी बार तो एक रामसन नोटियाल के तौर पर प्रत्याशी उतारा है। विकास नगर से गजमफर अली, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।